नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। लोक लेखा समिति ने 28 जनवरी को रिजर्व बैंक गवर्नर को बुलाया। नोटबंदी पर पूछताछ के लिए भेजे 10 सवाल। फैसले में भूमिका पर मांगा जवाब। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जेजे सिंह अकाली दल में शामिल। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ पुलिस पर महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप। मानवाधिकार आयोग का राज्य सरकार को नोटिस। राज्य के गृह मंत्री का बयान। जांच के बाद होगी कार्रवाई। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। बारिश से उत्तर भारत में शीतलहर। यूरोप में ठंड से पिछले दो दिन में 23 मौतें। और सानिया मिर्जा ने जीता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल डबल्स खिताब। रूस की माकारोवा वेस्नीना को मात। जोड़ीदार बेथानी सैंडर्स ने सानिया से छीना नंबर वन का ताज। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले बजट पेश करने को लेकर विभिन्न दलों की आपत्ति के बावजूद संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा। राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय की ओर से इस सिलसिले में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 31 जनवरी को दोनों सदनों की बैठक बुलाई है। बजट सत्र का पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा और ये सरकारी कामकाज पर निर्भर करेगा। राष्ट्रपति बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे और उसी दिन आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी। आम बजट भी 1 फरवरी को पेश होने की संभावना जताई जा रही है। उधर विधानसभा चुनाव के बीच आम बजट पेश करने पर चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखी है। पीटीआई के मुताबिक आयोग ने विपक्ष की शिकायत पर सरकार से 10 जनवरी तक इस बारे में जवाब मांगा है। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी। और संसद की लोक लेखा समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल से नोटबंदी के फैसले और उसके असर से जुड़े 10 सवाल पूछे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक समिति की ओर से उर्जित पटेल को सवालों की ये सूची 30 दिसंबर को भेजी गई थी। उर्जित पटेल को वरिष्ठ कांग्रेस नेता के वी थॉमस की अगुवाई वाली लोक लेखा समिति ने 28 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। समिति ने नोटबंदी का फैसला लेने में आरबीआई की भूमिका, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और आरबीआई नियमों में पिछले दो महीनों में आए बदलाव पर उर्जित पटेल से जानकारी मांगी है। खबर के मुताबिक लोक लेखा समिति ने उर्जित पटेल से पूछा है कि उन पर शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए क्यों ना मुकदमा चले और उन्हें हटाया जाए। समिति ने यह भी जानना चाहा है कि कितनी नकदी पर पाबंदी लगी थी और उसमें से कितनी बैंकिंग व्यवस्था में लौट आई है। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिसों से 1 अप्रैल से 9 नवंबर के बीच खातों में जमा हुई नकदी की जानकारी मांगी है। मंत्रालय ने बचत खातों में 2.5 लाख रुपए और चालू खाते में 12.5 लाख रुपए तक या उससे ऊपर नकदी जमा होने की जानकारी मांगी है। वित्त मंत्रालय ने 28 फरवरी तक सभी खाताधारकों को पैन नंबर देने को भी कहा है। लोगों को बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में अपने बचत खाते के लिए ये पैन नंबर देना होगा। सरकार के मुताबिक जिन्होंने अभी तक अपना पैन नंबर नहीं दिया वो 28 फरवरी तक हर हाल में पैन नंबर या फॉर्म 60 जमा करा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाना उनकी सरकार का मकसद है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बताया। उन्होंने चुनावी चंदे में पारदर्शिता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन भाषण में नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में नकदी का अनियंत्रित प्रवाह सबसे बड़ी बाधा है और इससे कई तरह की बुराइयां पैदा होती हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों के हितों को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। हम गरीब और गरीबी को सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखते। गरीबी हमारे लिए सेवा का अवसर है।
गरीबी को परास्त करने की ताकत गरीबों के पास है और हमारी सरकार गरीबों की उस ताकत को बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को साफ सुथरा बनाने में बीजेपी अहम भूमिका निभाएगी। पॉलिटिकल फंडिंग में शुचिता आए, पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता आए, भाजपा इसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाएगी। और उन्होंने इस दिशा में महामहिम राष्ट्रपति जी की टिप्पणी, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की चर्चा भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मेहनत करने और बूथ पर प्रभावी तरीके से काम करने की अपील की। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का दूसरा दौर शुरू कर दिया है। पार्टी ने कल ही कई राज्यों में सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस मुद्दे पर 11 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रही है। नोटबंदी के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि जब तक लोगों को नोटबंदी से राहत नहीं मिलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। नोटबंदी के बाद 2 महीने के बाद आज भी पूरा देश में लोग परेशानी है। जब तक लोग दुखी है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस ने लोगों को राहत देने के लिए सरकार के सामने कई मांग रखी है। इसमें छोटे व्यापारियों को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में 50% की रियायत देने की मांग शामिल है। साथ ही उन महिलाओं को 25,000 मुआवजा देने की भी मांग है जिन पर नोटबंदी का असर पड़ा है। जो लोग बेरोजगार हुए इसके कारण, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए और उन नौजवानों को कम से कम 31 मार्च तक मिनिमम वेज दिया जाए। तो छोटे दुकानदार हैं, उनको इनकम टैक्स और सेल टैक्स में 50% की छूट दी जाए और जो स्टेट के रेवेन्यू का लॉस है उसको कंपेंसेशन किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी के खिलाफ 11 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। इसमें देश भर से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अखिलेश गुट के रामगोपाल यादव ने कल चुनाव आयोग को समर्थकों के हलफनामे और दूसरे दस्तावेज सौंप दिए हैं। वहीं मुलायम सिंह खेमा सोमवार को समर्थकों के हलफनामे सौंप सकता है। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद में सुलह के आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव गुट की अलग अलग बैठक जारी रही। मुख्यमंत्री के गुट का कहना है कि वो अकेले ही चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। सिंबल का जो मामला है वो चुनाव आयोग के सामने है और 100% वो सिंबल समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी की राष्ट्रीय अध्यक्षता में मिलेगा। उसी के आधार पर चुनाव लड़ना है। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही फील्ड में आपको चुनाव का सारा काम शुरू होते हुए नजर आएगा। इधर दिल्ली में रामगोपाल यादव के आवास पर समाजवादी पार्टी के कई नेता अखिलेश यादव के समर्थन में हलफनामा देने पहुंचे। शाम को उन्होंने चुनाव आयोग को समर्थकों का हलफनामा सौंप दिया। एमपी, एमएलसी और सारे पदाधिकारी अखिलेश यादव के साथ हैं और इसीलिए इसी आधार पर आज हमने सारे 74 जिलों से डेलीगेट्स के इंडिविजुअल एफिडेविट दिए हैं। लगभग 1.5 लाख पन्नों में आपने देखा होगा कि 7 कार्टून्स में ले गए हम और वहां रिसीव करा दिए हैं कागज। अखिलेश यादव के वकील दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के आवास पर चुनाव आयोग को दिए जाने वाले जवाब की कॉपी देने गए। और जो भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में फाइल करेंगे उसकी कॉपी माननीय मुलायम सिंह जी को पहले सर्व करा के तब आप फाइल करेंगे। हम यहाँ पे आए थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, अब मैं वापस जा रहा हूँ। बीजेपी इस विवाद को राज्य सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश बता रही है। वही कांग्रेस भी पूरे घटनाक्रम में नजर बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 2 धड़े में नहीं बटी थी तब भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, उनके कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए, जनता ने नकारा उनको। जिस तरह की चर्चा चल रही है उसमें अखिलेश यादव अगर कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं तो उस पर शायद
सोचा जाए, लेकिन अभी तक तो हम 403 सीटों की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 9 जनवरी तक अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। दोनों ही गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। आपस में विवाद नहीं सुलझने पर आखिरी फैसला चुनाव आयोग को करना है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही दोनों खेमों में समझौता कराने की कोशिशें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। कहीं ये पारिवारिक द्वंद अखिलेश और मुलायम दोनों को ही चुनाव में काफी महंगा न पड़ जाए। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विवादित बयान देने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ मेरठ में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज के बयान पर मेरठ जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद दिए गए इस बयान पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। कुछ मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से न्यूज़पेपर में और कुछ मीडिया चैनलों द्वारा साक्षी महाराज के टिप्पणी पर अभी आयोग से आख्या मांगी गई है, जिसका एडीएम सिटी और एसपी सिटी द्वारा स्वयं जांच करके अभी आख्या आते ही आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई और साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ये भाषा अभी उत्तर प्रदेश में संसद बोल रहा है, इसको तो प्रधानमंत्री ही कुछ एक्शन लेना है या उसको क्लैरिफाई करना है। वहीं बीजेपी और सरकार ने साक्षी महाराज के बयान से किनारा कर लिया है। इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इससे इसका कोई मतलब नहीं है। साक्षी महाराज ने देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए एक धर्म विशेष को जिम्मेदार बताया था, साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनाव में धर्म के आधार पर वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीएसपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची कल जारी कर दी। इसमें 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें 24 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। इस तरह से पार्टी ने 300 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी की चौथी सूची आज आएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ में पार्टी के कोऑर्डिनेटर के अलावा प्रत्याशियों के साथ बैठक की। मायावती ने इन सभी को चुनाव आचार संहिता को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मायावती ने यह भरोसा जताया कि आगामी चुनाव में बीएसपी पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। पार्टी नेता और समर्थकों को इससे सावधान रहना चाहिए। प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे किस्म किस्म के हथकंडों से भी सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, ताकि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। पूर्व सेना प्रमुख जेजे सिंह पटियाला शहर सीट पर शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कल जेजे सिंह को अकाली दल में शामिल करने के बाद पार्टी ने ऐलान किया। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह से होगा। पार्टी में शामिल होने के बाद जेजे सिंह ने अपनी जीत का दावा किया है। जेजे सिंह अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। पंजाब में 4 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। महाराष्ट्र में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए आज चौथे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें नागपुर और गोंडिया जिले की 11 सीटें शामिल हैं। आखिरी चरण में अध्यक्ष पद के लिए 92 और पार्षद के लिए 245 उम्मीदवार मैदान में हैं। शुरुआती 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं ओडिशा में भी पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 852 जिला परिषदों के लिए 13 फरवरी से वोटिंग होगी। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। रेणुका शहाणे जानी मानी अभिनेत्री और अपने जमाने की मशहूर टेलीविजन होस्ट। एक्टर क्या होता है? एक रिएक्टर होता है। सामने जो है उस आधार पे आपने जो किया वो सही या गलत होता है एज एन एक्टर।
कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपने अगर ये निर्णय लिए होते और वो किया होता तो शायद आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती, लेकिन मेरे लिए तो ये ही बहुत ज़्यादा आगे है। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका शाहने, आप मुझसे मिलिए गुफ्तगू में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की ओर से बीजापुर जिले में 16 महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन शोषण को लेकर राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। अक्टूबर 2015 की इन घटनाओं के लिए आयोग ने राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कल एक बयान में ये भी कहा कि उसे 20 दूसरी पीड़ितों के दर्ज बयानों का भी इंतजार है। मानवाधिकार आयोग ने नोटिस में ये भी पूछा है कि क्यों नहीं पीड़ितों को इसके लिए 37 लाख रुपए की अंतरिम आर्थिक मदद की सिफारिश करनी चाहिए। बीबीसी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिले का इंतजार कर रहे परिजनों को बड़ी राहत मिली है। डीडीए की जमीन पर संचालित 298 स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया गया है। अब इन स्कूलों के पास 20% मैनेजमेंट कोटा के तहत दाखिले का अधिकार नहीं होगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक इन स्कूलों में 75% सीटों पर 0 से 1 किलोमीटर तक के रेंज में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी उन बच्चों को पहले दाखिला मिलेगा जिनके भाई या बहन उस स्कूल में पढ़ते हों। वहीं 25% सीटें आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। 14,000 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो चुकी है जो 23 जनवरी तक चलेगी। दाखिले के लिए पहली सूची 15 फरवरी को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगलुरु में आज 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत दौरे पर आए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ता हैं। 3 दिन तक इस चलने वाले सम्मेलन का उद्घाटन सूरीनाम के उपराष्ट्रपति माइकल आश्विन आधिन, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, खेल और युवा मामलों के मंत्री विजय गोयल ने कल किया। भारत के परिवर्तन में प्रवासियों की भूमिका विषय पर उद्घाटन सत्र में करीब 400 युवा प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के दौरान स्टार्टअप, नए विचारों और कर्नाटक में निवेश के अवसरों समेत कई मुद्दों पर तकरीबन 10 पूर्ण अधिवेशन होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोमवार को प्रवासी भारतीयों को पुरस्कार देने के अलावा समापन भाषण देंगे। दुनिया भर से भारतीय मूल के तमाम लोग इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन महात्मा गांधी के एक प्रवासी के तौर पर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में हर साल 9 जनवरी को किया जाता है। भारत और पुर्तगाल रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएंगे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में हुई बैठक में इस पे सहमति बनी। इस मौके पर दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, समुद्री शोध, ऊर्जा, शिक्षा और वीजा समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत यात्रा पर आए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ता ने दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसमें दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एक्शन ओरिएंटेड प्लान पर जोर दिया। एक्सपांशन एंड डीपनिंग ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स बिटवीन अवर टू कंट्रीज is our shared priority. Areas of infrastructure, waste and water management, solar and wind energy, and innovation are full of opportunities to build strong commercial ties. प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हुए करार का फायदा दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए होगा। The MOU on defense cooperation signed today will help us harness our respective strengths in this field for mutual benefit. इस मौके पर दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, समुद्री शोध, गैर पारंपरिक ऊर्जा, शिक्षा और वीजा समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
इससे पहले सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। 7 दिन के भारत दौरे पर आए एंटोनियो बेंगलुरु में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से कल मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट में दोनों ने एक दूसरे का हाल जाना। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री इस बार अप्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भारत के 7 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सिली फोर्ट ऑडिटोरियम में कल मल्टीमीडिया लाइट एंड साउंड शो सरबंस दानी के वर्ल्ड प्रीमियम का उद्घाटन किया। इस शो का मकसद बच्चों को सिख इतिहास से अवगत कराना है। और अब बात मौसम की। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कश्मीर का संपर्क बाकी देश से कट गया है। वहीं बारिश के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। कोहरे के चलते 41 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और 14 के समय में बदलाव किया गया है। वहीं 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 9 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई और 2 को रद्द कर दिया गया। देश के पहाड़ी इलाकों में आजकल यही नजारा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी लगातार 3रे दिन भी जारी है। इससे घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। राज्य के गुलमर्ग जिले में पारा सबसे कम दर्ज किया गया। बर्फबारी की वजह से जगह जगह यातायात बंद है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखी जितनी आज इस डेट में चल रही है। जो पिछले साल पिछले 4-5 महीनों से खुशहाली चल रही थी, उसकी वजह से काफी ठंड हो रही है। हाँ, बहुत सर्दी है और बहुत बर्फ पड़ रही है। रास्ते बंद हो रहे हैं। पीर पंजाल का रास्ता तो काफी दिनों से बंद है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी से लोग परेशान हैं। इससे संचार के साथ बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। कई जगहों पर बर्फबारी की वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जो बर्फबारी की अगर बात करते हैं तो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है और बागेश्वर है, तो इनमें कहीं कहीं पर एक दो जगहों पर भारी बर्फबारी की भी संभावना है। खासकर वो जगह जिनकी हाइट 3000 मीटर या उसके आसपास या ऊपर है, तो इन जगहों पर आपको कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी इस अगले 24 घंटे के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि सैलानी बर्फबारी से काफी खुश हैं और इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लोग यहाँ पे घूमने आए थे और उसके बाद स्नोफॉल शुरू हो गया। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। अभी देख सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है, हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से गिरा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में तापमान में अभी 3-5 डिग्री की और कमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारी बर्फबारी देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जारी है। यूरोपीय देशों में 2 दिन में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खासकर पूर्वी यूरोप में भारी बर्फबारी हो रही है। अकेले पोलैंड में गुरुवार तक 10 लोग दम तोड़ चुके हैं। कई शहरों में पारा 0 से काफी नीचे चला गया। प्रशासन ने बेघर लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। वहीं बुल्गारिया में भी 2 लोगों की मौत हुई है। तुर्की और रोमानिया के कई शहर बर्फ की मोटी चादर में लिपटे रहे। सीरिया में संघर्ष विराम के बावजूद हुए बम धमाके में करीब 50 लोग मारे गए हैं। धमाका तुर्की सीमा से लगे अजाज शहर में हुआ। हमलावरों ने एक अदालत के सामने व्यस्त बाजार को निशाना बनाया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। इससे राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। हमले के पीछे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट ने तुर्की की ओर से किए जा रहे हमलों के बाद सीरिया तुर्की सीमा पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं। और खेल की खबर, सानिया मिर्जा और बिथानी मटेक सैंड्स की जोड़ी ने ब्रिस्बेन ओपन के महिला डबल्स का खिताब जीत दिया है। कल हुए फाइनल में उन्होंने रूस की इकाटरीना माकारोवा और एलिना वेस्टिना की जोड़ी को 6-3 से हराया। ब्रिस्बेन ओपन के महिला डबल्स में सानिया का ये लगातार दूसरा खिताब है। पिछले साल उन्होंने पूर्व जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ ये खिताब जीता था।
सानिया खिताब जीतने में तो कामयाब रही लेकिन डबल्स में अपनी नंबर एक की रैंकिंग नहीं बचा पाई और बेथानी दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बन गई है। सानिया 91 हफ्तों तक नंबर एक रही, रैंकिंग का आधिकारिक ऐलान कल होगा। मशहूर अभिनेता सईद जाफरी की आज जयंती है। पंजाब के मलेरकोटला में आज ही के दिन 1929 को जन्मे सईद जाफरी ने हिंदी और ब्रिटिश फिल्मों में अदाकारी का जौहर दिखाया। आइए देखते हैं उनके फिल्मों की सफर की झलकियां। अबे लगती है मेरे मुंह से अगर गालियां इतनी भली तो जाती है मियां सीधी तेरे घर को ये गली। मसा? मैंने घर आना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं रहे कि तूने मुझे दिल से ही निकाल दिया। संवाद अदायगी के इसी अंदाज से सईद जाफरी ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। पर कुंज को तेरे हर सांस की खबर है, सब मालूम है मुझे। 50 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार फिल्में की। थिएटर से फिल्मों में कदम रखने वाले जाफरी ने मासूम, चश्मे बद्दूर, राम तेरी गंगा मैली और हिना में शानदार अभिनय किया। मैंने तो तुझसे अपनी बेटी के लिए खुशियां मांगी थी, दुआ मांगी थी कि उसकी राह में तू फूल ही फूल बिखेर देगा, कांटे नहीं। 1977 में आई सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी ने उन्हें नई पहचान दी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तुम हमसे इस तरह की बात नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? तुम अपने औकात भूल रहे हो। बाप दादा तुम्हारी गांठ छीना करते थे और तुम्हें क्या अपने आप को नवाब दादा कहलाते हो। जाफरी ने बॉलीवुड के अलावा थिएटर, टीवी शोज और हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्होंने रिचर्ड एडिनबरो की बहुचर्चित फिल्म गांधी, द मैन हू वुड बी किंग, अ पैसेज टू इंडिया, द फोर पवेलियंस जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। That's young Nehru. He's got his father's intellect, his mother's good looks, and the devil's old charm. Sikandar Gul, high in mountains, sit on throne. Soldiers saw arrow go into Danny's chest, him pluck it out, and not bleeding. सईद पहले भारतीय थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। 15 नवंबर 2015 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। लोक लेखा समिति ने 28 जनवरी को रिजर्व बैंक गवर्नर को बुलाया, नोटबंदी पर पूछताछ के लिए भेजे 10 सवाल, फैसले में भूमिका पर मांगा जवाब। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जेजे सिंह अकाली दल में शामिल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ पुलिस पर महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप, मानवाधिकार आयोग का राज्य सरकार को नोटिस, राज्य के गृह मंत्री का बयान, जांच के बाद होगी कार्रवाई। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, बारिश से उत्तर भारत में शीतलहर, यूरोप में ठंड से पिछले दो दिन में 23 मौतें। और सानिया मिर्जा ने जीता ब्रिस्बेन इंटरनेशनल डबल्स खिताब, रूस की माकारोवा वेस्नीना को मात, जोड़ीदार बेथानी सैंड्स ने सानिया से छीना नंबर वन का ताज। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए मैं भी भारत।